हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ पनीर की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, हैदराबादी पनीर। उसके लिए मैंने पनीर ले लिया और पनीर की इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता ले लिया, हरी धनिया, पुदीना ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, लहसुन ले लिया और अदरक। इन सभी को पीस कर हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके ले लिया और एक प्याज मैंने इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने दो से तीन मीडियम साइज़ की टमाटर को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम एक चम्मच बटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, गोल्डन होने तक इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मसाले में धनिया और जीरा का पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ले लिया है, ये सब इसमें हम डाल देंगे। और अब इसमें हम जो टमाटर हमने बारीक चॉप करके रखा था वो भी इसमें हम डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, इसमें जिससे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और टमाटर भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें हमने जो हरा मसाला का पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। लहसुन, धनिया पत्ता और पुदीना का पेस्ट डालकर इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहना है जिससे ये कढ़ाई से चिपके नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दें। मैं यहाँ एक छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और इसे अच्छी तरह से भून लें। जब तक मसाले हमारी अच्छी तरह से भूनने जाए तब तक इसे हमें भून लेना है। इसे भूनते हुए 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट में ये हमारे मसाले भून कर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम एक बड़ी चम्मच मलाई डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब तक मसाले में से साइड में से तेल रिलीज ना होने लगे तब तक इसे हमें भून लेना है। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हमने जो पनीर कट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसमें हम जो प्याज हमने लंबी स्लाइस में कट करके रखा था वो भी इसमें हम डाल देंगे और इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालकर और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी पनीर मसाला। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी पनीर मसाला। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।